बोलिए चिंतामणि पारिश्रनाथ भगवान की जय। आज की मौन साधना फेस्टिवल तो पावर ऑफ साइलेंस फेस्टिवल सभी का बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जय। आओ चले मौन साधना की ओर। स्पीच इज गोल्ड एंड साइलेंस इज गोल्डन। आत्मा को जानना है तो वो होना ही होगा। आज पेंडेमिक समय में मौन एक महाऔषधि बन चुकी है। आपको आपके मन की शांति के लिए मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज पे फोकस करो, सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए। मैं जो कुछ भी बोलूं या बोलने वाली हूँ उस पर ध्यान दीजिए तथा सभी को एकदम रिलैक्स मूड में बैठेंगे। सुखासन, पद्मासन, सोफासन, जिसे जैसे भी बैठना है आसपास का स्थान स्वच्छ रहे, चीटी आदि ना रहे। तीन अंतर्मूत की मौन साधना आज हम करेंगे। 48, 48, 48 मिनट। सभी लोग अपने आप को एकदम विश्राम की अवस्था में लेके जाइए। शांति से बैठिए, तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपकी मुद्रा दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा या सिद्धासन मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। हाथ पे हाथ रखिए, आंखें कोमलता से बंद और बैठ जाइए। चलते हैं द पावर ऑफ साइलेंस की ओर। साइलेंस इज गोल्डन, एक भजन के माध्यम से इसकी शुरुआत। मैं मेरी आत्मा को मेरी
सबसे बढ़कर है नौकार, करता है भव सागर पार। श्री जिनवानी का है सार, बार बार जपो नौकार। नौकार मंत्र जैन धर्म का मूल मंत्र है। इसे नौकार मंत्र, नमस्कार मंत्र, पंच परमेष्ठी मंत्र, अनादि निधन मंत्र, अपराजित मंत्र, पंच मंगल महासूत्र स्कंद भी कहते हैं। इन जैनिज्म दिस मंत्र इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट पावरफुल। वी ऑल नोन ऑफ नौकार मंत्र, बट समटाइम हमारा उच्चारण सही नहीं होता। हम जानते हैं नौकार मंत्र का सही उच्चारण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणं। ऐसो पंच नमो यारो सव पावप्पणासनो मंगलाणंच सव्वेसिं परमं हवहि मंगलम्। परमं हवहि मंगलम्। नौकार मंत्र में 68 अक्षर और 9 पद है। यह सब मंत्रों का राजा, 84 लाख मंत्रों का जनक है। समझे कैसे? जैसे सारी प्रकृति मौन है, सूरज मौन है, चंद्रमा मौन है, सितारे मौन है, आकाश मौन है, पेड़ पौधे मौन है, पर्वत मौन है, नदियां मौन है, झरने मौन है, सब मौन है, पर इनका संदेश बड़ा मुखर है। उनका संदेश सुनने का सामर्थ्य हम में होना चाहिए, उसको समझने का सामर्थ्य हम में होना चाहिए, और ये सामर्थ्य हमें मौन से ही मिलेंगे। ऐसी सामर्थ्य मौन से ही विकसित होंगी और हमारा जीवन सार्थक होगा, निहाल होगा।
मंगल स्वभाव और विभाव रूप है। स्वभाव रूप कैसे? मेरी आत्मा अनंत गुण से भरी, अनंत शक्तिशाली, ज्ञान चारित्र दर्शन आदि स्वभाव रूप है। चित्त भगवान स्वभाव रूप है, हम विभाव रूप है, पर कैसे? हम क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि करते हैं, उससे हम विभाव रूप है। शक्ति रूप से स्वभाव रूप है, व्यक्ति रूप से विभाव रूप है। शास्त्रों में शांत जगह चुप रहने का वर्णन आता है कि शांत स्थानों पर आप मौन हो जाइए। वह शांत स्थान कौन से है, आइए जानते हैं। सात स्थानों पर हमें कैसे मौन होना है। एक, भोजन के समय मौन लेके भोजन करिए। दूसरा, वमन, जब वमन होता है तो बोलिए नहीं। तीन, रति क्रिया मौन होकर करिए। जहां पाप की संभावना है वहां मौन हो जाइए। स्नान के समय मौन रहना है। अपने धर्म का पालन करते समय मौन से करिए। सात, मल मूत्र त्यागने के समय मौन हो जाइए। ये जो ऑटो सजेशन, ये जो कमांड है, ये हमें अपने आप को निरंतर देते रहना चाहिए। ऑटो सजेशन, thank you.
आइए चलते हैं चक्रास मेडिटेशन की ओर। सेवन चक्रास जो कि हमारे सेवन एनर्जी सेंटर है, चक्रास का शुद्धिकरण करने से पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा डायरेक्ट हमारे अंदर प्रवेश करती है। कुछ हमारे अशुद्ध परिणामों की वजह से हमारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। वो ब्लॉकेज निकालने के लिए आइए चलते हैं चक्रास बीजाक्षर मेडिटेशन की ओर।
मणिपुर
सत्यम मो चले
Thank you.
ऐसा आत्मा वो मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य अविनाशी, ऐसा आत्मा वो मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। जाना देखा अनुभव किया, ऐसा आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, जैसा जाना देखा अनुभव किया, ऐसा आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। जाना देखा अनुभव किया, ऐसा आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, जैसा जाना देखा अनुभव किया, ऐसा आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। द्रव्य रूप से आत्मा नित्य है, बदलता रूप तो पर्याय है, द्रव्य रूप से आत्मा नित्य है, बदलता रूप तो पर्याय, अवस्था का ज्ञान एक को होता है, बाल युवा वृद्धावस्था का ज्ञान एक को होता है, आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। वह नित्य है, निज कर्म का वह करता है, आत्मा है वह नित्य है, निज कर्म का वह करता है, भोगता है फिर मोक्ष है, मोक्ष उपाय सुधर्म है, भोगता है फिर मोक्ष।
धर्म है आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ करता तू कर्म रे छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म रे नहीं भोगता तू है उसका यही धर्म का मर्म है नहीं भोगता यही धर्म का मर्म है आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ आज चिंतवन का समय आया बाकी नर्तन क्या खोया क्या पाया तू तो गायक है किरण है किंतु विश्वों में तो भरमाया सोमे तन्मय होता ये कार्य है किंतु परमे तू क्यों है भरमाया रागादि को छोड़कर तू निज धाना बस तू जल्दी ही मोक्ष को पा जाना समझ मुरीधर कहते गुरुवर आत्म चिंतन की घड़ी है आत्म चिंतन की घड़ी आत्म चिंतन की घड़ी आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परभावम क्या खोया क्या पाया तू तो गायक तंकोत्कीर्ण है किंतु विश्वों में तो भरमाया सोमे तन्मय होता ये कार्य है किंतु परमे तू क्यों है भरमाया रागादि को छोड़कर तू निज धाना बस तू जल्दी ही मोक्ष को पा जाना समझ मुरीधर कहते गुरुवर आत्म चिंतन घड़ी है आत्म चिंतन की घड़ी आत्म चिंतन की घड़ी आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम हम खुद को भूल चुके हैं इसलिए आज वो डिप्रेशन में जा रहे हैं इंसोमनिया टेंशन से भी एंजॉय करें और एंजॉय करने के लिए हमें चार स्थानों पर मन लगाना चाहिए चार स्थानों पर मन लगाना जहाँ पाप की संभावना है चुप हो जाए बोल के फंसे नहीं
बोलने से झगड़ा होता है। दुविधा में फंसे दिखूं आपके मन की दुविधा तुरंत ही सॉल्व हो जाए। जहां विवाद या विचारों का टकराव हो वहां मौन हो जाए। वैचारिक टकराव से छुटकारा मिल जाए। इस प्रकार चार स्थानों पर मौन रहने से टेंशन से विमुक्त एंजॉय करें। अपने साथ जो भी हम स्पर्श हो विचार करिए, सोचिए मेरे साथ मैं कैसे खुश रहूं, उन्हें खुश करने की कोशिश करें और खुद के लिए समय निकालिए। स्वस्थ रहिए, अपने भी स्थित रहिए। अपने में स्थित रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। आओ चले षटकाय मेडिटेशन की ओर। षटकाय प्रेयर, षटकाय मेडिटेशन, छकाय की जीवों की रक्षा हेतु प्रेयर करें, क्योंकि मौन से मेरे अंदर अनंत ऊर्जा का प्रवेश हो चुका। मौन से मैं सकारात्मक हो चुका हूं। मेरे रुके हुए कार्य पूर्णता की ओर है और मौन से षटकाय के जीवों की रक्षा हेतु षटकाय मेडिटेशन करना चाहता हूं। आओ चले षटकाय मेडिटेशन की ओर। छकाय की जीवों की निष्ठा उपकार सदा दिल धरता हूं। चेतन इनका क्रमशः विकसित अस्तित्व भाव से जुड़ता हूं। सब पृथ्वी काय के जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूं। आभार व्यक्त में करता हूं और सहनशीलता धरता हूं। बिन कारण से ना कष्ट रूप कायिक मर्यादा करता हूं। संयोग नियोत से जो होवे वो सहन करे चित धरता हूं। धरती माता कहलाती है, आधार बनो बतलाती है। वसुधा से सब धन मिलता है, उपयोग सही बतलाती है। गंभीर बनो और धैर्य धरो, शुद्ध ऊर्जा वो दिलवाती है। संयोग सभी का करके हम उपकार करो बतलाती है। जल ही जीवन है कहलाता, अपकाय उदार सुहाता है। पानी जीवों का पिंड करा, वह मिलनसार कहलाता है। आभार व्यक्त इनका करता, नित क्षमा याचना करता हूं। जैसे गुण इससे है वैसा मैं समायोजना करता हूं। तेऊ है भाई सम तेजस, भौतिक उन्नति भी करते हैं। मन वचन काय सहयोग करे, कृतज्ञ भाव हम करते हैं। प्रतीक है दृढ़ संकल्प सदा, अशुद्धता दूर में करता। लो ऊपर चढ़ती है देखो, ऊपर उठने का कहता हूं। हे वायु मित्र सदा सबका, ना कपट किसी से करता है। आधार श्वास उच्छ्वास का है, हरदम सहयोग ये करता है। क्रिया मानस भावों द्वारा, ना आशात ना अब करना है। हर वातावरण स्वीकार करे, आभार व्यक्त शुद्ध करना है। गुण पाने का हम भाव करें, मित्र सहज प्रेम बरसाना है। ना गाठ कपट अंदर रखना,
नित आगे बढ़ते रहना है। अब सहनशील बनकर जीना, यतना हर काम में रखना है। जो लगा दोष उसका बंधु, अब बार बार खमाना है। पंचम काय वनस्पति, उपकार महान सदाई है। हे पंचम काय वनस्पति, उपकार महान सदाई है। ये पिता समान कहाती है, सुख सुविधा सारी जुटाती है। भोजन औषध और वस्त्र पात्र, ऑक्सीजन दान दिलाती है। शरणागत को छाया मिलती, काया विश्राम सुहाती है। उपयोग में मर्यादा होना, बिन मतलब हिंसा न होना। आभार व्यक्त करने से तो है सभी दोष दूरा होना। हो करुणा प्रेम सदा इनके, वात्सल्य भाव न रखना है। हो धन्यवाद का भाव यदि, संयोग सदा ही मिलना है। तृष्काय में जाती चार कही, खेती भोजन में सहयोगी। ना वेद भाव देश करे, बन जाए हम भी अभियोगी। संयोग लिया करना सीखे, सुख में त्यागी बन रहना है। आत्मा के हित के लिए सभी यत्ना में जागरूक रहना है। छह काया का परिवार कहा, छह काया से परिवार बना। छह काया का परिवार कहा, छह काया से परिवार बना। छह काया से परिवार चले, इनसे ही तो संसार बना। भक्षक इनका बनता भोगी, रक्षक इनका बनता योगी। भोगी तो बनता है रोगी, मोजी बन जाता है योगी। यह छह द्रव्यों का मेला है, इसे संसार कहते हैं। यह छह द्रव्यों का मेला है, इसे संसार कहते हैं। यह छह द्रव्यों का मेला है, इसे संसार कहते हैं।
हे आत्मन, अहंकार को गुरु चरणों में रख दो। भावना और विनम्रता से गुरु चरणों को पखार दो। फिर तुम्हें इस जगत में किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी, किसी की भी पराधीनता नहीं होगी। तुम स्वाधीन हो जाओगे गुरु की करुणा की छाव में बैठकर। शुद्धात्मा की भावना भाव, परमात्मा की भावना भाव और संलेखना की समाधि की नींव आते ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। हे गुरुदेव, ऐसे ही करुणा की छाव में दिव्य देशना देते रहना। आपकी करुणा का स्वार्थ ना रहे मुझ में, बस इतनी ही भावना है। तथा स्वस्वरूप में ठहर जाऊं, इतनी ही लगन लगी रहे। गुरुवर, मेरी भावना पूरी हो, मैं आपकी शरण में हूं। और एक जाप आप करिए लास्ट में, मुझे शांत रहना है। ये कमांड अपने आप को देना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। शांतो 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 सहजो 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 सहजो। दोनों हाथों को ऊपर उठाए, शीत शिला की ओर मुख करके दोनों हाथ दोनों साइड खुले हुए। चित्त भगवान की एनर्जी हैंड रूपी चैनल से ग्रहण करना है। सिद्धो हम सिद्धो हम सिद्धो हम सोहम सोहम सोहम। दोनों हाथों का घर्षण करें आंखों पे, दोनों हाथ को थोड़ी देर रखिए। पूरे शरीर में दोनों हाथों को स्पर्श करेंगे। बोलिए चिंतामणि परशुनाथ भगवान की जय। सबको जय, जिन्हें सबसे छमा उत्तम छमा सबको छमा। हर व्यक्ति को अपने समय सुविधा के साथ नित्य ही मौन रहना चाहिए। आज का हमने ये आपको मौन का अभ्यास कराया, सभी ने किया। धन्यवाद।